नमस्कार दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर काफी चर्चाएं की जा रही है। राशन कार्ड को बंद कर दिया जाएगा, अब इन गरीब परिवारों को राशन सामग्री नहीं दी जाएगी। इन लोगों का राशन कार्ड एकदम से बंद कर दिया जाएगा। सरकार 31 मई से पहले पहले सभी परिवारों का राशन कार्ड बंद करने वाली है। लेकिन दोस्तों, आपको आज मैं 5 ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपका राशन कार्ड बंद करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप आज से पहले जिस प्रकार सरकार राशन कार्ड परिवारों को गेहूं चावल दाल फ्री में उपलब्ध करवाती थी, वैसे ही दोबारा आपको मिलता रहेगा। आपका राशन कार्ड बंद होने से बच सकता है, लेकिन आपको इन 7 नियमों का पालन करना होगा, तभी आपको राशन कार्ड की सभी सुविधाएं आपको सरकार की ओर से वापस मिलना शुरू हो जाएगी। वैसे ये न्यूज दोस्तों वैसे सच्चाई तो है, लेकिन जितनी यूट्यूब पर सभी लोग अच्छी तरह से जानकारियां नहीं उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसके कारण काफी कंफ्यूज में है। किसान भाई काफी परेशान है कि हमारा राशन कार्ड बंद होगा या अन्य किसका होगा राशन कार्ड। तो राशन कार्ड को लेकर काफी सवाल किए जा रहे हैं। सभी परिवारों को राशन कार्ड से संबंधित जो शिकायतें हैं, उन सभी का सही तरीके से जवाब नहीं मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी तरह से जानकारी बताई जाएगी कि आखिरकार सरकार कौन से परिवारों का राशन कार्ड बंद करने वाली है और किन परिवारों को राशन कार्ड की ये समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी, आप हमारे साथ बने रहे। अगले 4 से 5 मिनट में आपको दोस्तों अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि राशन कार्ड को किस प्रकार आपको जो प्रक्रिया करनी होगी ताकि आपका राशन कार्ड बंद होने से बच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है हमारी कि आप हमारी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार पहुंचे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपके पास पहुंचती रहे नोटिफिकेशन के द्वारा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राशन कार्ड किन परिवारों का बंद होगा। तो सरकार ने कुछ आवश्यक शर्तें रखी है कि जिनके घरों में सरकारी कर्मचारी या फिर 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि और जिन परिवारों की 2 लाख रुपया से अधिक आय है या जिन घरों में मोटरसाइकिल है, जो बुलेट गाड़ी है या फिर कोई 4 पहिया वाहन है, ये सभी शर्तें अगर आपके परिवार में लागू होती है तो दोस्तों आप राशन कार्ड के जरिए जो राशन सामग्री सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई जाती है तो उसके योग्य नहीं समझे जाते हैं आप, क्योंकि आप एक धनी परिवार से हैं, आपकी वार्षिक आय अच्छी खासी है। ये राशन कार्ड जो सामग्रियां दी जाती है ये केवल गरीब परिवारों के लिए है। आप इस गरीब परिवार की कैटेगरी में नहीं आते हैं, जिसके कारण आपका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। और अगर आपके घरों में मोटरसाइकिल यानी बुलेट गाड़ी नहीं है या 4 व्हीलर जो भी गाड़ी है, जो 4 पहिया वाहन है, जैसे बुलेरो या ट्रक, बस या अन्य कोई भी वाहन है, वो आपके घरों में नहीं है या आपके घरों में सरकारी कर्मचारी नहीं है और 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है, तो फिर आपका राशन कार्ड बंद नहीं किया जाएगा। इतना हो सकता है कि आपके राशन कार्ड को अपडेट किया जा सकता है, क्योंकि सरकार नए आंकड़े इकट्ठे कर रही है, क्योंकि प्रदेश में बढ़ते इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने यही कदम उठाया है। तो वैसा कोई बड़ी न्यूज नहीं है सरकार इस भ्रष्टाचार को रोकने, क्योंकि दोस्तों आज जो धनी परिवार से हैं, जो एकदम अमीर परिवार है, वो भी आज बीपीएल एवं अंत्योदय राशन कार्ड की सूची के अंतर्गत जोड़े गए हैं। 2011 के आंकड़ों के बाद दोबारा से राशन कार्ड से संबंधित कोई भी नई प्रकार की आंकड़े नहीं निकाले गए हैं, कोई भी अपडेट नहीं किया गया राशन कार्ड से संबंधित खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से, जिसके कारण इस प्रकार का ये कदम सरकार ने 2022 में उठाया है। तो आप निश्चिंत रहे, अगर आपके घरों में बुलेट, मोटरसाइकिल या अन्य कोई भी वाहन जो हमने बताया है नीचे, इस प्रकार की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो आपका राशन कार्ड बंद नहीं होगा। और जिन परिवारों के घरों में इस प्रकार के वाहन जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, अन्य कोई भी प्रकार की सुविधाएं जो सब अच्छी तरह से गरीब परिवार के घरों में नहीं होती है, वो सुविधाएं अगर आपके घरों में है और आप राशन कार्ड के जरिए सरकार की ओर से दिया जाने वाला राशन लेते हैं, तो फिर आपको आगे से राशन मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए आप इन सभी प्रकार की कैटेगरी में आते हैं तो आप अपने राशन कार्ड को निरस्त करवाएं, नजदीकी कार्यालय ऑफिस में जाएं, वहां से राशन कार्ड को निरस्त कर दिया जाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों बताई गई जानकारी आपको अच्छी तरह क्लियर हो गई है। फिर भी कोई भी नए सवाल है, कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं ऐसी और कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।